जिंदगी में हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करते हुए उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, वो अवसर जो हमें सफलताओं की ओर ले जाता है। आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे ही एक शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि असफलताओं को पीछे छोड़कर कामयाबी के उस मुकाम तक पहुंच चुका है, जहां पहुंचना अच्छे अच्छों के बस की बात नहीं है। उस शख्स का नाम है साहिल खान। साहिल खान एक भारतीय फिल्म अभिनेता, बॉडी बिल्डर, बिजनेसमैन और यूट्यूबर है। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो साहिल खान को ना जानता हो। साहिल की बॉडी के ज्यादातर सभी लोग बहुत बड़े फैन हैं। साहिल खान का जन्म 5 नवंबर 1976 को पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में हुआ था। साहिल का जन्म एक चीनी माँ और एक मुस्लिम पिता के यहाँ हुआ था। साहिल के परिवार में उनकी दो बहनें भी हैं, शाहिस्ता और मरियम। अपने शुरुआती दिनों में वो अपने परिवार और दोस्तों के ग्रुप में सबसे पतले और सबसे कमजोर व्यक्ति हुआ करते थे। साहिल को सिल्वेस्टर स्टेलोन की रॉकी फोर्स देखने के बाद बॉडी बिल्डिंग की प्रेरणा मिली। तब से आज तक उन्होंने जिम करना बंद नहीं किया, जिसका जीता जागता सबूत है उनकी बेहतरीन फिटनेस। छोटी उम्र में ही उन्होंने जिम करना शुरू कर दिया था और अपनी बेहतरीन बॉडी बनाने के बाद वो अपना करियर बनाने के लिए मुंबई चले आए, जहां पर शुरू में उन्होंने कुछ गानों में अपनी उपस्थिति दी। उनकी बेहतरीन बॉडी को देखकर उनको जल्द ही फिल्मों में काम मिल गया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नाचंगी सारी रात के म्यूजिक वीडियो से की थी। साहिल ने बाद में संगीत वीडियो ओह लैला में भी अभिनय किया, जहाँ वो निर्देशक एन चंद्रा की नजरों में आई। हालांकि उनके जीवन में एक आश्चर्यजनक मोड़ आया जब एन चंद्रा एक अत्यधिक सम्मानित बॉलीवुड प्रसिद्ध फिल्म तेजाब के निर्देशक ने उन्हें अपनी फिल्म स्टाइल में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत नाचेंगे सारी रात के म्यूजिक वीडियो से की थी। साहिल ने बाद में संगीत वीडियो ओह लैला में भी अभिनय किया, जहां वो निर्देशक एन चंद्रा की नजरों में आए। साल 2001 में आई उनकी पहली फिल्म स्टाइल के किरदार चिंटू की भूमिका के लिए उन्हें बेहतरीन लुक और दमदार बॉडी की वजह से सैकड़ों लोगों को पछाड़ना पड़ा था। तब कहीं जाकर साहिल को उनके बॉलीवुड करियर की पहली फिल्म हासिल हुई। इस फिल्म में उनके साथ शर्मन जोशी, रिया सेन और शिल्पी मुद्गल ने भी अभिनय किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की। साल 2003 में आई उनकी दूसरी बॉलीवुड फिल्म और पहली फिल्म स्टाइल की सीक्वल एक्सक्यूज मी ने भी काफी प्रसिद्धि प्राप्त की थी और साहिल को लोगों के बीच पहचाना जाने लगा। साल 2010 में साहिल को अंतिम बार फिल्म रामा द सेवियर में काम करते हुए देखा गया था। ये फिल्म एक्शन एडवेंचर जैसे दृश्यों से भरपूर थी और इस बार उनके साथ WWE के रेसलर द ग्रेट खली एवं अभिनेत्री तनुश्री दत्ता को अभिनेत्री के रूप में कास्ट किया गया था, लेकिन ये फिल्म दर्शकों को ज्यादा पसंद नहीं आई। बॉडी बिल्डर साहिल खान फिटनेस फ्रीक हैं और उन्होंने काफी समय जिम में बिताया है। वो एक ट्रेनर हैं और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग प्रदान भी करते हैं और ये सब उसके नेटवर्थ में योगदान देता है। अभी तक साहिल खान लगभग 11 जिम खोल चुके हैं, जो काफी महंगे और लग्जरी फील देने वाले होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एक मोटी फीस मिलती है। इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर दो साहिल खान की कंट्रोवर्शियल लाइफ के बारे में बात करें तो उन्होंने सलमान खान पर लगाया था करियर खराब करने का आरोप। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद साहिल खान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सलमान खान पर कई आरोप लगाए थे। एक्टर ने लिखा था, बहुत कम लोगों के साथ जिंदगी में ऐसा होता है कि अपनी पहली फिल्म स्टाइल के बाद इंडिया की सबसे टॉप फिल्म मैगजीन की कवर पर दो इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार के साथ हूँ, मगर उनमें से एक सुपरस्टार को बहुत बुरा लगा, जबकि मैं तो नया था, उनका फैन था। फिर वो मुझे कई बार साइड रोल के लिए बुलाते रहे और फिर कई फिल्म से मुझे
निकलवा दिया। 20 साल में जॉन अब्राहम के अलावा कोई नहीं आया इंडस्ट्री में बड़ा स्टार, सिर्फ स्टार किड्स को ही काम मिलता है। साहिल खान और आयशा श्राफ ने एक साथ में प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी, जिसके तले जिस देश में गंगा रहता है और बूम जैसी फिल्में प्रोड्यूस की गई हैं। प्रोडक्शन कंपनी फ्लॉप होने के बाद आयशा ने साहिल के खिलाफ साल 2014 में धोखाधड़ी का केस दर्ज कर 4 करोड़ रुपए न लौटाने का आरोप लगाया था। बदले में साहिल खान के वकील ने कोर्ट में साहिल और आयशा की प्राइवेट तस्वीरें दिखाकर ये साबित किया था कि दोनों बिजनेस पार्टनर होने के अलावा एक दूसरे के साथ रिलेशन में भी थे और ब्रेकअप के बाद आयशा ने उन्हें फंसाने की कोशिश की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल द क्यूरियस कीड़ा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।